सिवान पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर एक युवक को हथियार के साथ किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बिहार के सिवान संस्पति बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान पुलिस ने युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पूरी घटना सिवान जिले के दरौंदा थाना इलाके में घटी हुई है, जहां पे पूर्व संध्या के समय पुलिस जो है गश्ती कर रही थी, तभी गुप्त सूचना मिला कि युवक जो है अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटनास्थल पर जाकर छापेमारी किया, जहां से युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पूरी घटना जो है सीमांत जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के ढेबर गांव में घटी हुई, जहां पे ढेबर गांव के पारस माझी के पुत्र जो है ननक माझी, उन्हीं को अवैध कट्टा के साथ गिरफ्तार किया, उनके पास से एक देसी कट्टा जो है बरामद हुआ है। तमाम तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, यही युवक है जो एक सिपाही के साथ नजर आ रहा है, इसी को पुलिस ने अवैध कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। लगातार इस तरह हथियार तस्करी का मामला बिहार में देखने को मिला है। कुछ दिन पहले सिवान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 पिस्टल के साथ 2 युवक गिरफ्तार किया था। वहीं सिवान दरौंदा पुलिस भी एक दिन 2 रोज पहले एक युवक को कट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। फिर आज जिस तरह कट्टा के साथ एक युवक गिरफ्तार किया गया है, इस पर सवाल ये खड़ा हो कि आखिर अवैध हथियार जो है बिहार में कहां से आ जा रहे हैं, आखिर अवैध तस्कर जो है अवैध तस्करी करने वाले हथियार के लोग हैं वो कहां छुपे रहे हैं, आखिर उनके पास पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही है, यह भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि दरौंदा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। देखना इस मामले पुलिस जो है आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है, कौन सी एक लगाती है, यह तो समय बताएगा। पूरी घटना जो है सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के ढेबर गांव के समीप घटी हुई थी, जहां पे पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि एक युवक है जो अवैध हथियार ला रहा है। इस वजह से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दरौंदा थाना पदस्थापित एसआई राजशेखर को भेजा, जहां से राजशेखर के द्वारा एक युवक गिरफ्तार किया गया। युवक की पहचान जो है दरौंदा थाना क्षेत्र के ढेबर गांव के पारस माझी के पुत्र जो है ननक माझी के रूप में हुई है, जिसकी तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं राजशेखर जो है दरौंदा थाना में पदस्थापित है एसआई, उन्हीं के बयान पर दरौंदा थाना में प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यही युवक है जो देसी कट्टा के साथ दरौंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है।